हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो यहां पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो मैं रीड कर रहा हूं। टू स्टार्ट विथ वी शैल डिस्कस इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर सीखा है, ट्वेल्थ में भी किया है, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप ट्वेल्थ में किया होगा आपने, और लास्ट ईयर भी आपने डिफरेंशिएशन सीखा है। सो डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन का इनवर्स है, और इंटीग्रेशन क्या है तो वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। इंटीग्रेशन में बी कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। नाउ जब आप डेरिवेटिव करते थे तो आप लिखते थे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या था, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन हो तो आप डेरिवेटिव करते थे एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपने ट्वेल्थ में भी यूज़ किया है। सो यहाँ पर सेम है, एक्स स्क्वायर है, एन मीन्स नंबर है कोई, तो किसी भी नंबर एक्स रेस टू कोई नंबर दिया हो 2, 3, 4, 5 तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो नंबर हमें आगे रखना होता है, सेम एक्स लिखना होता है और एक्स के पावर में से 1 माइनस करना होता है। आप ऐसे करते थे, ठीक है ना। फिर से मैं एक दो और बता देता हूँ आपको। देखिए एक्स पावर एन हो तो आप करते थे एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर हो तो 2 आगे एक्स रेस टू 2 माइनस वन, सो क्या हो जाएगा 2x। सपोज करो एक्स क्यूब हो तो आप डेरिवेटिव करते थे 3 आगे एक्स रेस टू 3 माइनस वन, सो 3x स्क्वायर। ये आप डेरिवेटिव करते थे। अब आपको इसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स करना है दैट मीन्स आपको 3x स्क्वायर दिया होगा तो आपको एक्स क्यूब उसका आंसर लिखना है, आपको 2x दिया होगा तो आपको एक्स स्क्वायर करना है। तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसका भी फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, चैप्टर का नेम है आपका इंटीग्रेशन, सो 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन में से आंसर बनना है, अब आपको आंसर में से क्वेश्चन करना है। तो ये जो आप s टाइप का ये साइन देख रहे हो, थोड़ा सा s जैसा है, आप अपने बुक में देख लीजिए, लेकिन उसे ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एस जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, फिर लेंथी लाइन होती है और नीचे से थोड़ा सा कर्व करना होता है, सो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। अब ये करना कैसे है हमें, इसकी फॉर्मूला, तो आज मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स में 4 चैप्टर हैं, इंटीग्रेशन, पॉइजन प्रोसेस एंड लॉट कंट्रोल, जिसमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन का जो वेटेज है वो 25% का वेटेज है। दैट मीन्स आपके 70 मार्क्स के पेपर्स होंगे तो 17 से 18 मार्क्स का इसमें से आएगा, और अगर आपके 50 मार्क्स के हो रहे हैं तो 12 टू 13 मार्क्स का इस चैप्टर में से आएगा। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बट पूरा का पूरा चैप्टर
फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड है मींस ये कुछ फार्मूलाज लिखी हैं मैंने, 8 फार्मूलाज हैं। अगर ये 8 फार्मूला आपने अच्छे से लर्न कर ली तो चैप्टर इजी हो जाएगा, लेकिन आपको ये फार्मूला लर्न नहीं हुई तो आप चैप्टर नहीं कर पाओगे। सो आइए देखते हैं रूल्स क्या हैं। सो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें सबसे पहले आज मैं आपको रूल्स करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, वेयर एन विल बी एनी नंबर, एन कोई ना कोई नंबर होगा। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी का, तो आगे इंटीग्रेशन का साइन रखते हैं और पीछे डीएक्स का साइन रखते हैं। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होती है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सो एक्स रेस टू एन, एन कोई नंबर होगा तो उसका आंसर होगा एक्स पावर एन प्लस वन, ये जो नंबर होगा उस नंबर में वन ऐड कर देंगे और डिवाइड में लिखेंगे डिनोमिनेटर में एन प्लस वन। प्लस सी लिखेंगे, ये जो सी होता है ये कांस्टेंट के लिए होता है, ये हर एक में आपको लिखना है फॉर्मूला में। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। एक्स पावर एन एक्स रेस टू फाइव, मैंने क्या बताया एन कोई ना कोई नंबर होगा। सो एक्स रेस टू फाइव हो तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू फाइव डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू सेम रखेंगे, पावर में वन प्लस करेंगे, सो फाइव प्लस वन, देखिए यहाँ पर एन प्लस वन है और एन की जगह पावर है, सो पावर प्लस वन डिवाइड में पावर प्लस वन प्लस सी। सो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स रेस टू सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। सो ये एक रूल है। अब सपोज करो आपको इंटीग्रेशन करना है किसी नंबर का, सेकंड पॉइंट ये था एक्स रेस टू कोई नंबर दिया हो एक्स रेस टू एन। अब सपोज करते हैं एक्स नहीं है, किसी नंबर का आपको इंटीग्रेशन करना है, चाहे वो नंबर वन है टू है फोर है फाइव है हंड्रेड है, तो आपको लिखना है इंटीग्रेशन वन डी एक्स इक्वल्स टू, अब किसी भी नंबर का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो एक्स होता है, किसी भी नंबर का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स होगा प्लस सी, सी कांस्टेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, कोई अगर ऐसी वैल्यू आपके पास आ गई जिसमें आपको ई का पावर दिया है या ई रेस टू एक्स दिया हुआ है, सो उसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स प्लस सी। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स होता है, इक्वल होते हैं, सो ई रेस टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, अब यहां पर सिर्फ एक्स था, यहां पर है ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, यहां पर भी ए और बी दिया हो वो एक नंबर दिया हुआ होगा आपको, ए और बी की जगह एक नंबर दिया हुआ होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, दैट मीन्स सेम वैल्यू डिवाइड में ए, दैट मीन्स जो यहां पर वैल्यू होगी, और प्लस सी कांस्टेंट। आइए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, ए और बी की जगह मैंने नंबर लिए हैं टू एक्स प्लस थ्री, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि e रेस टू टू एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो आपको पहले e रेस टू टू एक्स प्लस थ्री न्यूमरेटर में लिखना है, डिवाइड में लिखना है a, a की पोजीशन क्या है टू, यहाँ पर देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, सो डिवाइड बाय टू प्लस सी। सो e के पावर में अगर कोई इक्वेशन है तो सेम e के पावर में इक्वेशन और डिवाइड में इक्वेशन का जो फर्स्ट वैल्यू होगा a वैल्यू वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, सो वन अपॉन एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस सी, log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स एंड वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी हो
तो आपको लिखना है log ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए, ए मीन्स ये फर्स्ट वैल्यू, प्लस सी। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 अपॉन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करके बताओ। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 हो तो आपको लिखना है log, फिर न्यूमरेटर में ये इक्वेशन लिख देनी है 2x प्लस 3, डिवाइड में डिनोमिनेटर में a का वैल्यू लिखना है, ये देखिए a का वैल्यू क्या है, 2 प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन, मैं फिर से बता रहा हूँ ए बी एंड एन कोई ना कोई नंबर होंगे। सो अगर ऐसा हो तो आपको लिखना है ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन, न्यूमरेटर में सेम इक्वेशन पावर में प्लस वन कर देना है, डिनोमिनेटर में पहले ए लिखना है और पावर में n प्लस वन लिख कर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस c लिख देना है। अब आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो 2x प्लस 3 रेस्ट टू 7। सो 2x प्लस 3 a b और n कोई ना कोई नंबर होंगे। सो 2x प्लस 3 पावर 7 हो तो आपको न्यूमरेटर में लिखना है 2x प्लस 3 पावर में 1 प्लस कर देना है, दैट मीन्स 8 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में ये जो n प्लस 1 की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है a के साथ और a की वैल्यू क्या है, 2। सो 2 a की वैल्यू है एंड n प्लस 1 8 का वैल्यू है, सो 2 इंटू 8 लिखेंगे प्लस सी। सो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। सो 8 इंटू 2 या 2 इंटू 8 16 ही हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि a के पावर में x हो तो आपको लिखना है a रेस टू x log a बेस e प्लस सी। कैसे, एक नंबर होगा। सो नंबर के पावर में x दिया हुआ है तो आपको लिखना है नंबर के पावर में x log, फिर जो नंबर हो जैसे इसमें 5 है तो log 5 बेस e प्लस सी। ऐसे करके आपको इन फॉर्मूलाज की हेल्प से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नाउ आइए एक फर्स्ट सम स्टार्ट करके देखते हैं कैसे होगा और वो फर्स्ट फॉर्मूला से हम करेंगे। सो पहले x रेस टू n, x का कोई पावर दिया हुआ है तो आप कैसे सम करोगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज हम। सो क्वेश्चन 1 में देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन 3x रेस टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट ओवर इनटू dx। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ब्रैकेट को ओपन करना है और हर एक का इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से समझना इस स्टेप को। सबसे पहले नंबर 3, फिर इंटीग्रेशन को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, सपोज करो इंटीग्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन हमेशा यहाँ आएगा, एक्स पावर 4 इंटू, अब इस dx को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इंटू dx। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन और dx को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के साथ। तो पहले नंबर, देन इंटीग्रेशन, देन x रेस टू 4, देन dx, प्लस फिर से 4 इंटीग्रेशन x रेस टू 3
इंटू डी एक्स। सो 4x क्यूब को इंटीग्रेशन और dx के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले नंबर देन इंटीग्रेशन देन x क्यूब देन dx। फिर से 5 इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन को और dx को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन की? अब मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इंटू डी एक्स हो, ये रहा इंटीग्रेशन x रेस टू n डी एक्स हो, तो इसका सॉल्यूशन होता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, जैसे सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस c। ये मैंने फॉर्मूला लिख ली है अभी। अब मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। सो पहले मैं लिख रहा हूँ 3। अब मैं इंटीग्रेशन और dx नहीं लिखूँगा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। x रेस टू n हो तो मुझे लिखना है x रेस टू n प्लस 1। यहाँ x रेस टू 4 है, सो x रेस टू 4 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय n प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1। फिर से स्टेप बता रहा हूँ, 3 सेम। अब x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1, पावर में 1 प्लस कर देना है। सो ये है x रेस टू 4, तो मैंने पावर में 1 प्लस कर दिया एंड डिवाइड बाय पावर प्लस 1, सो 4 प्लस 1 प्लस सेम करेंगे 4, 4 पहले नंबर लिख दिया, अब पावर में 1 प्लस करना है, x रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, पावर प्लस 1 डिवाइड बाय पावर प्लस 1। फिर इंटीग्रेशन और dx नहीं लिखेंगे, -5 x रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 x रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 3। नाउ x रेस टू, पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 अज्यूम करते हैं, सो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 एंड प्लस c, जो कांस्टेंट है वो तो हर एक में लिखते ही हैं, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हम c लिख देंगे। सो फाइनली आंसर होगा 3 x रेस टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 x रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 x रेस टू 3 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस 3 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। सो ये है इंटीग्रेशन का आंसर। देखिए 3 x रेस टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 x रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस, ये माइनस है फिर से बता रहा हूँ, माइनस 5 x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 3 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये है फर्स्ट का आंसर। सो फिर से स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, 3 x रेस टू 4 है, पहले 3 को आगे रखो, x देन इंटीग्रेशन का साइन x रेस टू 4 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन, अगर x रेस टू n का इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। सो मुझे x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन करना है तो पहले मैंने आगे नंबर लिखा 3, x रेस टू 4 प्लस 1 क्योंकि n में प्लस 1 करना है, 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, फिर से x रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। सो ऐसे करके इंटीग्रेशन की फर्स्ट फॉर्मूला का हमने यूज़ किया और यहाँ पर
सम को सॉल्व किया। सो आज स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फर्स्ट लेक्चर है। आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। सो यहाँ पर फॉर्मूला लिखी हुई है, फर्स्ट पेज है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर लीजिए आप यहाँ पर। एक बार लर्न हो गई ना, बहुत इजी लगेगा चैप्टर। देन ये सेकंड पेज है फॉर्मूला का, एंड देन ये जो मैंने इंटीग्रेशन का आपको फर्स्ट सम करवाया। मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ वो ये बुक है, अभी तक का जो लेटेस्ट एडिशन है। अगर आपके बुक में हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे दिया हो, नंबर अलग होगा, बाकी वैल्यूज़ सेम होंगी। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम के साथ।